नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रोहित रमेश मोदी। मैं एक आँखों का स्पेशलिस्ट हूँ और रेटिनल सर्जन यानी पर्दे का डॉक्टर। मेरी खास रुचि है आहार और पोषण में। आइए हम बात करते हैं पानी के महत्व के ऊपर। हम कई बार कई चीज़ों पर ध्यान देते हैं जब हम हमारा आहार ले रहे हैं और कई चीज़ें हम समझ के खाते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पानी। उसे हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। पानी क्यों महत्व है? पानी एक तो हमारे शरीर के हर अंग के लिए ज़रूरी है, और जब हम 2-2.5 लीटर सिर्फ केवल पीते हैं तो उतना पानी हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण अंग और ऑर्गन्स हैं उनके लिए ही जस्ट पर्याप्त होता है। पर हम जब उसके ऊपर पीना चालू करते हैं तो पानी हमें डिटॉक्सिफाई करता है। जैसे ही हम 2.5 लीटर के ऊपर जाते हैं तब हमारे बॉडी में जो अंदर के टॉक्सिन्स हैं उसे पानी एब्जॉर्ब करके हमारे पेशाब के माध्यम से शरीर के बाहर फेंकता है। इसलिए कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी रोज पीना बहुत ही ज़रूरी है। और ये मैंने भी अपने दिनचर्या में नोटिस किया है कि जिस दिन मैं 2-2.5 लीटर पानी ही केवल पीता हूँ ना, या कम पानी पीने को होता है, रात तक पहुँचते पहुँचते मेरी हालत पस्त हो जाती है। लेकिन जिस दिन मैं ज़्यादा पानी पी लेता हूँ, उतने ही काम करने के बावजूद रात को भी मैं जब घर पे जाता हूँ मैं फ्रेश रहता हूँ, मैं परिवार के साथ में बैठ पाता हूँ। इसका कारण ये है कि पानी मेरे शरीर को अंदर से साफ रखता है और फिट रखता है। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है पानी करता है वो है हमारे पेट को साफ रखना, हमारी आंतड़ियों को साफ रखना। आप अगर ये सोचिए कि हमने जब कम पानी पीते हैं तो हमारे जो स्टूल्स हैं वो आंतड़ियों को रगड़ के जाते हैं। जिस तरीके से हम जब वाटर स्लाइड में बैठते हैं वाटर पार्क के अंदर, अगर उसमें पानी की मात्रा वो स्लाइड में कम हो तो हमारी पूरी त्वचा जो है वो छिल जाएगी जब हम स्लाइड के नीचे उतरते हैं। उसी तरह जब हमारे पेट से संदास पास होता है, आतड़ियों से पास होता है, अगर पानी नहीं हो तो उधर फ्रिक्शन होगा, उधर घिसना होगा, और जब घिसाव होगा तो हमारी आतड़ियों के लिए वो नुकसानदायक होगा। इसलिए पानी पीना सही मात्रा में बहुत ही आवश्यक है। शुक्रिया।